दोस्तों आज मैं आपको दो राजधानी नगरी रायपुर और पटना के बारे में बताने जा रही हूँ। इन दोनों शहरों ने अपने विकास और विस्तार के अनेक मंजिलों को तय किया है और इनका यह यात्रा बहुत ही शानदार रहा है। वैसे पिछले कुछ वर्षों में इन दोनों शहरों ने कई उतार चढ़ाव देखे, मगर विकास की रफ्तार ने इन दोनों शहर की तस्वीर ही बदल दी। ये दोनों शहर आज मॉडर्न शहर के रूप में पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन यहाँ के ऐतिहासिक जगहों को आज भी संभाल कर रखा गया है। मगर फिर भी कभी न कभी आपके मन में ये सवाल तो आता ही होगा कि इकोनॉमी में, रहने में, खाने पीने में कौन सा शहर बेहतर है। दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों की डिमांड पर रायपुर वर्सेस पटना का यह वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रायपुर शहर के बारे में। रायपुर मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और यह शहर राज्य की राजधानी होने के साथ साथ रायपुर जिले का मुख्यालय भी है। रायपुर खास तौर पर भारत के सबसे बड़े स्टील और इस्पात बाजारों के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व रायपुर मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा हुआ करता था। आपको यह जानकर गर्व होगा कि रायपुर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे स्वच्छ शहर के लिस्ट में 6th रैंक हासिल किया है। और बात की जाए रायपुर शहर की जनसंख्या की, तो 2011 के सेंसस यानी जनगणना के अनुसार रायपुर की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर थी। रायपुर खारून नदी के किनारे बसा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों क्या आपको पता है रायपुर छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ते हुए शहरों में से एक है। दूसरे राज्य और राजधानी की तुलना में रायपुर काफी आगे निकल गया है। महज 22 सालों में ही रायपुर शहर ने अपनी पुख्ता पहचान बनाई है। 226 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैले हुए रायपुर को व्यापार के लिए देश के सबसे अच्छे शहरों में से एक माना जाता है। दोस्तों रायपुर खनिज संपदा से भरा हुआ है और यह देश में स्टील और लोहे के बड़े बाजारों में से एक है। रायपुर ऐतिहासिक रूप से भी काफी महत्व रखता है और इसलिए यहाँ कई सारे प्राचीन मंदिर और किले भी मौजूद है। दोस्तों क्या आपको पता है 1995 में स्थापित की गई रायपुर नगर की नगर घड़ी में छत्तीसगढ़ की 24 लोक धुनों को हर घंटे बजाया जाता है। नगर घड़ी में हर घंटे बजने वाली लोक धुन पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में किया गया प्रयास पूरे विश्व में अनूठा है। वहीं रायपुर शहर में भारत का तीसरा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी मौजूद है। और अगर बात की जाए यहाँ के ब्रेकफास्ट की, तो यहाँ के लोग सुबह के नाश्ते में पोहा, छोले कुलचे, आलू टिक्की, समोसा खाना काफी पसंद करते हैं। दोस्तों रायपुर सड़क, रेलवे और वायु मार्ग से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बात की जाए रायपुर रेलवे स्टेशन की, तो रायपुर रेलवे स्टेशन राज्य के लिए प्रमुख जंक्शन में से एक है और यह रेलवे स्टेशन रायपुर डिवीजन के अंतर्गत और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। और यह रेलवे स्टेशन भारत के बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। और बात की जाए यहाँ के एयरपोर्ट की, तो रायपुर में स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर सिटी से 15 किलोमीटर और नया रायपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं रायपुर के वह तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसके बिना रायपुर शहर का भ्रमण अधूरा है। जंगल सफारी। जंगल सफारी छत्तीसगढ़ के नया रायपुर सेक्टर 39 में लोकेटेड है। इसके अलावा कैवल्य धाम, विवेकानंद सरोवर, रायपुर मरीन ड्राइव, ऊर्जा पार्क, मैग्नेटो मॉल भी घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पटना शहर के बारे में। पटना भारत के गौरवशाली शहरों में से एक है और दोस्तों पटना को पहले बहुत सारे नामों से जाना जाता था, जैसे पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, मगध और पुष्पपुर। लेकिन वर्तमान समय में पटना सिटी का नाम पठान शासक शेरशाह सूरी की देन है। पटना बिहार की राजधानी होने के साथ साथ बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर है और अगर पूर्वी भारत की बात करें तो कोलकाता के बाद पटना दूसरा सबसे बड़ा शहर है। बात करें जनसंख्या की, तो 2011 के सेंसस यानी जनगणना के अनुसार पटना सिटी की टोटल पॉपुलेशन अप्रोक्स 17 लाख थी। पटना को बिहार राज्य का सबसे शिक्षित शहर माना जाता है
और दोस्तों बिहार के लगभग सभी एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स पटना सिटी में ही मौजूद है। ये शहर काफी खूबसूरत और अट्रैक्टिव होने के साथ साथ बिहार के इतिहास का भी एक बड़ा हिस्सा रहा है। दोस्तों सिटी मेट्स फाउंडेशन की एक स्टडी के अकॉर्डिंग पटना सिटी दुनिया का 21वां और इंडिया का 5वां सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। 250 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैले हुए पटना से चार नदियां गुजरती है, गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, दुनिया का सबसे लंबा सड़क पुल भी पटना में ही स्थित है, जो कि 5,575 मीटर लंबा है। इसे महात्मा गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी सेतु पटना को हाजीपुर से जोड़ने के लिए गंगा नदी पर बनाया गया इंडिया का तीसरा सबसे लंबा पुल है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं पटना के कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में। गोलघर। ये गोलघर साल 1770 में इस इलाके में भयंकर अकाल के बाद अनाज को स्टोर करने के लिए बनाया गया था। ये गोलघर इमारत अपनी खास आकृति के लिए पॉपुलर है। 1786 में जॉन गास्टिन ने इसे बनवाया था। उसके बाद से गोलघर पटना शहर का एक प्रतीक चिन्ह बन गया। तख्त श्री हरमिंदर साहिब जी। पटना शहर सिखों के अंतिम सम्राट श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी माना जाता है, और बताया जाता है कि गोविंद सिंह जी ने अपने बचपन के कुछ वर्ष इसी शहर में बिताए थे। इसके अलावा तारा मंडल, गांधी मैदान, उदय स्मृति पार्क, पटना म्यूजियम, फैंटासिया वाटर पार्क, संजय गांधी जैविक उद्यान भी घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। अब रायपुर या पटना किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताए। और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।